हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल एक दफ़ा फिर, और थैंक यू वेरी मच मुझे फॉलो करने के लिए और इस वीडियो में मुझे ज्वाइन करने के लिए। इस वीडियो में हम जिन प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे उनके बारे में इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर तकरीबन ना होने के बराबर है। मैंने काफ़ी सर्च किया, आपको यूट्यूब पर भी कुछ नहीं मिलेगा, आपको इंटरनेट पर भी इसके बारे में कुछ नहीं मिलेगा। हालांकि ये प्रोडक्ट्स मार्केट में ईजिली अवेलेबल हैं और ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हैं, बहुत इकोनॉमिकल हैं, लेकिन जब भी हम मार्केट्स में जाते हैं और ये प्रोडक्ट्स हम शेल्फ में रखी देखते हैं तो हम कभी भी श्योर नहीं होते कि हमें ये ख़रीदनी चाहिए या नहीं। हालांकि प्राइस इनका बहुत कम है और बहुत अफोर्डेबल है, लेकिन आप स्टिल डाउट में रहते हो कि ये परचेज़ की जाएँ या ना परचेज़ की जाएँ, क्योंकि आपको इनके बारे में कोई नॉलेज अवेलेबल नहीं है। ऑफकोर्स जिन प्रोडक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे वो परफ्यूम्स ही हैं, लेकिन ये आम परफ्यूम्स की तरह अल्कोहल बेस्ड नहीं है और ना ही ये परफ्यूम ऑयल्स हैं, बल्कि ये वाटर बेस्ड परफ्यूम्स हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में आपको इन परफ्यूम्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकूं और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। हम इस वीडियो में दो परफ्यूम्स डिस्कस करेंगे जिसमें से एक है खुशबू ऊत और दूसरा है वनीला एलेक्सीर, और ये दोनों परफ्यूम प्रोडक्ट्स हैं हामिदी वालों के। हामिदी जो ब्रांड है ये डील करते हैं वाटर बेस्ड परफ्यूम्स में और ऑयल्स में, ये अल्कोहल बेस्ड परफ्यूम्स में डील नहीं करते। और हामिदी ब्रांड को ऑन करता है स्टर्लिंग परफ्यूम्स, और वही स्टर्लिंग परफ्यूम जो आर्मफ को ऑन करते हैं, शायद ये सारी डिटेल मैंने अपने पिछले किसी वीडियो में भी बताई थी। एनीवेज एक दफ़ा दोबारा से कि आजकल जो मार्केट में स्पेशली यूएई में जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वाटर बेस्ड परफ्यूम्स में वो हामिदी की हैं, और अगर क्वालिटी की बात की जाए और अगर प्राइस की या परफॉर्मेंस वगैरह की बात की जाए तो आई थिंक हामिदी इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन डीलिंग वाटर बेस्ड परफ्यूम्स। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। तो जो पहला परफ्यूम मैं आपको दिखाऊंगा वो है खुशबू ऊत, और ये हामिदी की डीलक्स कलेक्शन में से है। ये किसी पेपर बॉक्स में नहीं आता, बल्कि ये एक पेपर के ऐसे बैग में एज अ गिफ्ट पैक हुआ होता है। प्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो बहुत सिंपल सी बोतल है, आपको सिर्फ यहाँ पे फ्रंट पे परफ्यूम का नाम लिखा मिलेगा, ऊपर आपको एक प्लास्टिक का गोल्डन कैप मिलेगा। तो ये हो गया इसकी प्रेजेंटेशन के बारे में, और अब बात करते हैं इसकी फ्रेग्रेंस की या इसकी खुशबू की। तो सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है या ध्यान में रखनी है, आप कोई भी वाटर बेस्ड परफ्यूम अगर यूज़ करें तो सबसे पहले आपको उसको अच्छी तरह शेक करना है, क्योंकि कुछ टाइम तक अगर ये टेबल पर पड़ा रहे तो इसके अंदर जो परफ्यूम का थिक मटेरियल है वो इसके नीचे बेस में बैठ जाता है और ऊपर वाटर की एक बहुत थिन सी कंसंट्रेशन बचती है। तो आपको इसको हमेशा अच्छे से मिक्स करना है, और ये चेक करने के लिए कि ये अच्छे से मिक्स हो गया है कि नहीं, आप इस बोतल का उल्टा करें तो आपको यहाँ पर वो पार्टिकल्स दिख जाएंगे। और अगर मैं इसकी स्मेल की बात करूँ तो वो तमाम लोग जिन्हें एनिमेलिक परफ्यूम्स पसंद हैं या जिनको रसासी का शूरा पसंद है, इसकी खुशबू किसी हद तक शूरा की कैटेगरी में आती है, लेकिन ये उसका क्लोन बिल्कुल भी नहीं है, दे आर टोटली डिफरेंट। लेकिन जो इनका एक फील है, एक डार्कनेस, एक थिकनेस, उसमें ये दोनों काफ़ी सिमिलर हैं। तो अगर मैं इसकी खुशबू की बात करूँ, मैं आपको इसका टोटल नोट्स ब्रेकडाउन नहीं दूंगा, मैं आपको सिर्फ इसकी मेन मेन चीज़ें बताऊँगा जो आपको इसकी खुशबू में सबसे प्रोमिनेंट मिलेंगी। तो सबसे पहले स्मेल करते ही जो आपको सबसे स्ट्रॉन्ग नोट मिलेगा वो एक एनिमेलिक नोट है, और वो है कैस्टोरियम का। कैस्टोरियम के साथ साथ जो एनिमेलिक नोट्स है, उस एनिमेलिक नोट्स में आपको एक लेदर की या जानवर के चमड़े की एक स्मेल आएगी, लेकिन ये वो इंडस्ट्रियल लेदर की स्मेल नहीं है, बल्कि एक रफ और जो एक लाइफ एनिमल की, अगर आप कभी स्किन को जब हम कुर्बानी के दिनों में अगर खाल अपने जानवरों की उतार के अगर रख दें उसको, तो एक आपके घर में एक अजीब सी एक उसकी स्मेल रहती है, बड़ी स्कैंकी सी और थिक सी डार्क सी। तो आपको वो और कैस्टोरियम का स्ट्रॉन्ग नोट मिलेगा। उसके साथ साथ आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग नोट मिलेंगे वुड्स के। वुड में जो सबसे प्रोमिनेंट है वो है गायक वुड, और बहुत लाइट हल्के से नॉइसेस मिलेंगे आपको इसमें ऊद के। हालांकि ऊद इसके नोट्स ब्रेकडाउन में मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन आपको इसकी बैकग्राउंड में बहुत लाइट से ऊद के नॉइसेस मिलेंगे। और उसके साथ साथ वुड्स में जो गायक वुड के बाद या वाइट वुड के बाद जो ज़्यादा सबसे स्ट्रॉन्ग नोट आपको मिलेगा वो आपको इसके अंदर मिलेगा वेटीवर का। वेटीवर भी इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड वेरी ब्यूटीफुल। और उसके साथ साथ आपको इसमें बहुत खूबसूरत फ्लोरल नोट्स मिलेंगे, बहुत लाइट बैक में आप फील कर पाओगे लेकिन आप गेस नहीं कर पाओगे कि कौन से फ्लावर्स हैं इसके अंदर। और उसके बाद सबसे मेन और स्ट्रॉन्ग चीज़ वो आपको इसमें मिलेंगे स्वीट स्पाइसेस, और इस सब के साथ आपको इसमें हल्के से फ्रूटी नोट्स भी मिलेंगे।
और उसके बाद एंड पे इसकी बेस में आपको मिलेंगे मस्की नोट्स विद एम्बर। तो ये थी इसकी खुशबू के बारे में। तो अगर ओवरऑल बात की जाए तो ये बहुत ही एनिमेलिक, वुडी, स्पाइसी और स्लाइटली फ्रूटी परफ्यूम है। इट्स वेरी गुड। तो वो सब लोग जिन्हें एनिमेलिक टफ और डिफ़िकल्ट परफ्यूम्स पसंद हैं वो उसको ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक्सोटिक, डिफ़िकल्ट और यूनिक परफ्यूम है। तो जो लोग परफ्यूम की जर्नी में नए हैं उनको शायद ये एकदम से पसंद ना आए। ये था इसकी फ्रेगरेंस के बारे में। और अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की कि इसको लगाना कैसे है। तो एक आम परफ्यूम की तरह आप इसे यूज़ करें अपनी स्किन पे और कपड़ों पे। और स्किन पे बेस्ट पार्ट विल बी योर फोरआर्म्स। फोरआर्म्स पे जहाँ आपके बाल होते हैं यहाँ पर इसको स्प्रे करें, और अगर आप चाहें तो अपनी चेस्ट पे इसको स्प्रे करें, और उसके बाद आप इसको अपने कपड़ों पे भी स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन ये आपको स्किन पे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस और लॉन्जिविटी देगा एज़ कम्पेयर टू क्लॉथ्स। एटलीस्ट मेरा एक्सपीरियंस उसके साथ यही है। अगर टोटल परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ये आपको 4 से 5 घंटे की बहुत स्ट्रॉन्ग और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देगा। उसके बाद भी ये स्टे करता है, लेकिन 4 से 5 घंटे आर वेरी गुड, वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर प्रोजेक्शन की बात करूँ तो क्योंकि इसमें अल्कोहल एज अ कैरियर यूज़ नहीं हुआ तो ये उतना प्रोजेक्ट नहीं करता, उतनी दूर तक प्रोजेक्ट नहीं करता, बट स्टिल इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम। और ये 2 से 3 फीट तक आपको ज़बरदस्त अच्छी प्रोजेक्शन देगा। और सियाज इज़ वेरी गुड। आप जब इसको लगा के मूव करेंगे या कहीं कॉरिडोर से गुजरेंगे तो बहुत दूर तक तो नहीं, लेकिन अगर कोई शख्स आपके पीछे खड़ा है या आ रहा है तो उसको इसका क्लियरली स्मेल वो फील करेगा, ही विल गेट इट। तो ये था इसके परफॉर्मेंस के बारे में। अगर जेंडर की बात करूँ तो टू बी वेरी फेयर, दिस इज़ वेरी मैस्कुलिन, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी हार्ड सेंट। लेडीज़ के लिए इसको कैरी करना बहुत मुश्किल होगा, दे कैनॉट पुल इट ऑफ इजीली, उन्हें पसंद भी नहीं आएगा क्योंकि देर इज़ नथिंग फॉर लेडीज़ इन दिस परफ्यूम। इट्स अ वेरी मैस्कुलिन, वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमेलिक परफ्यूम। तो ये था इसके जेंडर के बारे में। अगर मैं बात करूँ एज ग्रुप की तो फॉर श्योर टीनेजर्स इससे दूर रहें, उनके लिए इस परफ्यूम में कुछ नहीं है। दिस इज़ फॉर मोर मैच्योर पीपल, तो 30+ के लोग और वो लोग जो परफ्यूम लाइक करते हैं या परफ्यूम की जर्नी में हैं या उनको परफ्यूम का एक्सपीरियंस है, उन्हें ये बहुत पसंद आएगा। वो लोग जो ज़्यादातर डिज़ाइनर्स परफ्यूम यूज़ करते हैं और जो नीच कैटेगरी में या इस टाइप के यूनिक और इस टाइप के परफ्यूम लाइक नहीं करते, उनको भी शायद ये पसंद ना आए। तो बट फॉर मी दिस इज़ लाइक अ जेम। ये था इसकी एज ग्रुप के बारे में। और अगर बात करूँ वेदर की तो आप इसे पूरा साल लगा सकते हैं, बट ऑफ कोर्स इन विंटर्स इट विल गिव यू मोर गुड एंड बेटर एक्सपीरियंस। तो चलिए आते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ, विच इज़ प्राइस। तो इस 50 ml बॉटल की प्राइस इनकी वेबसाइट पर है 22 dirham, लेकिन मैंने ये बाय किया है 12 dirham में। और आई एम श्योर कि अगर आप लोग ट्राई करें तो आपको भी ये इस प्राइस रेंज के आसपास मिल जाएगा। अगर आप खासकर UAE में हैं तो यू कैन गो टू द गिफ्ट सेंटर्स और ये सुपर मार्केट्स में आप जाएँ तो ये डिस्काउंट मार्केट्स में बहुत ईजीली अवेलेबल है, और वहाँ पर आपको ये इनकी वेबसाइट की प्राइस से कम में मिल जाएगा ईजिली, आई एम श्योर। अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी प्रोडक्ट की, विच इज़ अगेन फ्रॉम द हाउस ऑफ हामिदी, और ये इनकी नेचुरल सीरीज़ में से है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये उनकी डिलक्स कलेक्शन में से था, दिस इज़ फ्रॉम देयर नेचुरल सीरीज़। और अगेन आपको इसको शेक करना है अच्छी तरह। और अगर प्रेजेंटेशन की बात कीजिए तो ये आपको इस टाइप के बहुत खूबसूरत गोल्डन बॉक्स में मिलेगा, और इवन के बॉटल इज़ प्रीटी नाइस, कैप इज़ प्लास्टिक एंड बहुत ही लाइट और चीप है, लेकिन मैटर नहीं करता, व्हाट मैटर इज़ द जूस इन द बॉटल। और ये इस टाइप की आपको राउंड बॉटल में मिलेगा, स्प्रेड इज़ ऑल्सो गुड, आई एम नॉट इन अ मूड टू स्प्रेड राइट नाउ। तो जैसा कि मैंने बताया ये इनकी नेचुरल सीरीज़ में है, और हामिदी वाले क्लेम करते हैं कि इन प्रोडक्ट्स में दे यूज्ड नेचुरल प्रोडक्ट्स, जो कि मेरी समझ से बाहर है क्योंकि इस प्राइस रेंज में जिसमें ये अवेलेबल है नेचुरल इंग्रेडिएंट्स या नेचुरल मटेरियल यूज़ करना आई थिंक पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल अगर उन लोगों ने किया है तो हैट्स ऑफ टू देम। तो दिस इज़ फ्रॉम देयर नेचुरल सीरीज़, और ये है वनीला एलेक्सीर। इस सीरीज़ में इनके और भी परफ्यूम्स हैं, देयर इज़ वन जैस्मिन एंड ट्यूब रोज, फिर आपको इसमें नेचुरल ऊद मिलेगा, फिर आपको इसमें नेचुरल एम्बर मिलेगा, और फिर आपको इसमें नेचुरल मस्क मिलेगा। एम्बर मेरे ख्याल से सबसे स्ट्रॉन्ग है इनमें, लेकिन माई फेवरेट इज़ दिस
वनीला। तो अगर इसकी फ्रेगरेंस की बात करूं तो वनीला की फ्रेगरेंस 3-4 फ्रेगरेंसेस मिलके बनती है। इवन कि जो नेचुरल वनीला है उसमें भी आपको 3-4 ये नोट्स फील होते हैं। तो जब आप इसको स्मेल करेंगे तो यू विल गेट वेरी ब्यूटीफुल स्पाइसी टोन्स और नटी टोन्स, जैसी नट्स की एक बड़ी सॉफ्ट सी वार्म सी अर्थी सी स्मेल होती है, आपको वो इसमें फील होगी। इट्स वेरी डिलीशियस और स्पाइसेस में आपको इसमें सेफ्रॉन अलॉन्ग विद फ्लोरल्स, और फ्लोरल्स में आपको काइंड ऑफ जैस्मिन और एम्बरग्रीस की फील भी आएगी। और उसके साथ साथ अगेन इसमें भी आपको एक वाइट वुड का बड़ा स्मूथ स्वीट सा वुडी नोट भी मिलेगा। तो ये थी इसकी खुशबू। अगर शॉर्ट में बोला जाए तो वेरी सॉफ्ट वाइट वुडी स्पाइसी वॉर्म एंड नटी फ्रेगरेंस। एक इस परफ्यूम की खूबसूरती ये है कि आप इसको एज अ परफ्यूम भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर इसका एक बेस्ट यूज़ मैं आपको बताऊं तो यू कैन यूज़ इट एज लेयरिंग। अगर आप कोई एक ऐसा परफ्यूम यूज़ कर रहे हैं जो वनीला बेस्ड है, फॉर एग्जांपल टॉम फोर्ड का टोबैको वेनी, तो आप इसको एज अ लेयर यूज़ करें। पहले आप इसको स्प्रे करें अपनी स्किन पे 3-4 स्प्रेस, और उसके बाद आप 3-4 स्प्रेस लगाएं टोबैको वेनी के, या आप अगर पेरिस कॉर्नर वालों का जो कोलोन है चरूटो, अगर वो भी आप इसको इसके साथ मिला के यूज़ करेंगे तो इट विल गिव यू अमेजिंग आउट क्लास एक्सपीरियंस। तो अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो दिस इज़ नॉट एज गुड एज दिस, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़बरदस्त परफ्यूम है, लेकिन इवन दिस इज़ नॉट बैड। ये भी आपको 4-5 घंटे की लॉन्जिविटी देगी, बट दिस इज़ ऑफकोर्स गोइंग टू स्टे लॉन्गर, ये ज़्यादा देर तक स्टे करता है। और इसकी प्रोजेक्शन या परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू दिस बहुत लाइट है, और जैसा कि आप देख भी रहे होंगे कि दिस इज़ ओनली 50 ml और दिस इज़ 100 ml, तो ये एक बहुत सॉफ्ट और बहुत लाइट फील देती है, जबकि ये आपको एक बहुत बीस्ट इंटीरियर फेस काइंड की स्मेल देता है। प्रोजेक्शन की बात करें तो इतना ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं करता, आपकी स्किन के पास पास रहता है, नॉट लाइक स्किन सेंट से थोड़ा ऊपर, लेकिन स्टिल आपके इर्द गिर्द बस एक हल्का सा एक क्लाउड बना के रखेगा और बहुत दूर तक प्रोजेक्ट नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर आप क्लोज इनकाउंटर्स में हैं, किसी के पास जाएंगे या किसी से बात करेंगे या कहीं से गुजरेंगे तो पीपल विल बी एबल टू स्मेल इट, बट दिस इज़ बेसिकली एक बहुत ही लाइट और हल्का किस्म का परफ्यूम है, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये था इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। अगर जेंडर की बात करें तो इट्स कम्प्लीटली यूनिसेक्स, लेडीज जेंट्स एनीवन कैन वेयर इट, कोई भी लगा सकता है इसको। अगर इसकी बात करें एज ग्रुप की तो अगेन टीनेजर्स और लड़कियां लड़के कोई भी जिनको वनीला का नोट पसंद है दे कैन चेक इट एंड दे कैन पुल इट ऑफ इजीली। तो अगर सीजन की बात करें तो सर्दी गर्मी बहार खिजां पूरा साल आप कभी भी यूज़ करें, नो इशू एट ऑल। तो चलिए आते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ, विच इज़ प्राइस। तो इस 100 ml बोतल का प्राइस इनकी वेबसाइट पर है 27 dirham, बट अगेन जहाँ से मैंने ये ख़रीदा था वहाँ पर ये अवेलेबल है 15 dirham में, और आप भी अगर ट्राई करें तो आपको भी शायद इस प्राइस रेंज में ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और मेरे ख्याल से अब अगर आप अर्मफ की शॉप पे या स्टर्लिंग परफ्यूम्स की शॉप पे जाएंगे तो वो भी ये शायद 15 dirham में ही इसको सेल कर रहे हैं। द ओनली प्रॉब्लम इज़ ऑन द वेबसाइट, आई थिंक इन्होंने अपना वेबसाइट अपडेट नहीं किया, वहाँ पर अभी तक प्राइस 27 dirham ही दिखा रहे हैं। तो 15 dirham में यू कैन नेवर गो रॉन्ग, यू विल नॉट लूज एनीथिंग, ट्राई करें, आई एम श्योर यू विल लाइक इट। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकूं, और जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे है मेरे एक्सपीरियंस से वो मैं आपको बता सकूं। उम्मीद आपको पसंद आया होगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।